मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 को सफल बनाने में जुटी हुई है। पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। इन 6 में से 5 सीटें महाकौशल की हैं। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी जबलपुर में विशाल जनसभा करने के बाद अब कल बालाघाट आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। उधर मौसम विभाग ने आज और कल बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ऐसे में जनता को कोई परेशानी ना हो इसके लिए वाटरप्रूफ 65,000 वर्ग फुट का डोम भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि 2,720 वर्ग फुट का ऊंचा मंच बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 दिन पहले से ही SPG के जवान और एयरफोर्स के जवान भी पहुंच चुके हैं। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल 1 दिन पहले ही बालाघाट पहुंच गए और उन्होंने सभा स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हम सबकी चिंता भी ये रहती है कि हम उसको कैसे करेंगे, किलो गए उनको भी कोई असुविधा ना हो और हम बेहतर कम्युनिकेशन के बीच में जो होता है उसका लाभ ले सकते। आपने विजिट किया है अभी सुबह में, तो हमारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री का आगमन जब होता है तो बहुत सारे पक्ष होते हैं क्योंकि यहाँ पर मैदान बड़ा नहीं होता है। सर शेड्यूल आया कुछ? शेड्यूल मिनट टू मिनट आएगा तो प्रेस को पहुँचेगा।